और मैं मानता हूँ कि ये ही भारत देश की एक विशेषता है कि हम सब लोग भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं और यही ताकत हमको आगे बढ़ने में बहुत मदद रूप होता है। मैं श्रावण मास के इस अवसर पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। साई बाबा नगर के लोगों का बहुत बड़ा कर्ज है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर, यही प्रेम भाव आने वाले दिनों में भी बना रहे, यही अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता, ऐसे एक एक कार्यकर्ता अपने अपने परिसर में एक एक छोटा छोटा मंदिर भी बनाते हैं, तो एक बहुत बड़ी ताकत सनातन धर्म के लिए आने वाले दिनों में हम खड़ा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और सबका भी मानना यही होगा। आइए हम सब लोग मिलकर इस संकल्प करें कि हम भारत देश की जो धार्मिक विरासत है उसको और मजबूत करने का काम करें। थैंक यू। हर सोमवार एक अलग अलग थीम बनता है जहाँ पे हम धान्या, फूल, जल, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स और डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशंस हम शिवजी के मंदिर में करते हैं। एंड एवरी सोमवार इज अ डिफरेंट थीम विद अ डिफरेंट व्यू एंड डिफरेंट शंगार्स ऑफ शिवजी। सो एवरीवन इज मोस्ट वेलकम फॉर दिस दर्शन्स ऑन श्रावण्स एंड स्पेशली जन्माष्टमी इज बीन डन विच इज बीन डन विद अ दही हंडी। सो नेक्स्ट ईयर एवरीवन इज प्लीज मोस्ट वेलकम। हमारा वी हैव ओनली वन थिंग कि बहुत सारे कुल देवीज है जो बहुत दूर है और हमारा एक ही टारगेट है विच माय फादर हैड कि यहाँ के जो लोकल्स है जो किधर नहीं दूर दूर जा सकते दर्शन के लिए वो यहाँ एक टेंपल में आके दर्शन कर सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू गो टू द तीर्थ स्थल so they can come here under one rooftop, they get all the devi devtas darshan, so they can come wo yahan aa sakte hain aur darshan kar sakte hain। except gopal shakti ji bhi aaye haan ji, gopal shakti ji ke aane se see his is a biggest support, unka sabse bada hame support hai gopal uncle ka, he has been here since 2094 unka humko support raha hai and as a social worker he has always unhone hamesha hame motivate kiya hai ye darshan karne mein। एंड एवरी सोमवार वो यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि ये डिवोटीज के लिए एक बहुत अच्छी जगह हमने करके रखी है जहाँ पे शाम को कीर्तन भी होते हैं, तो बहुत से एजेड लोग हैं जहाँ यहाँ आके कीर्तन भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्पेंड देयर गुड टाइम यहाँ पे अच्छा टाइम निकाल सकते हैं बैठ के। यस प्लीज बाबू भाई, he is the main person, इन्होंने पूरा आर्टवर्क खड़ा किया है बाबू एपी से। कितना वक्त लगा आपको, कितना डिफिकल्ट था ये? हमने मतलब मुझे 8 घंटा लगा एक चीज को खड़ा करने में। सबसे पहली बात तो मुझे दीदी ने मौका दिया, मुझे अनंत अंबानी की शादी में ये आउट ऑफ से उन्होंने किया था और मैंने इनको ये प्रपोजल डाला कि दीदी मुझे ये बनाने में आपको हेल्प कीजिए, जो मेरा इंडस्ट्री में मैं हैंडवर्क काम करता हूँ तो आप मुझे इसके लिए मौका दीजिए। उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं उनका खूब खूब आभार हूँ तो जो इन्होंने मुझे चार्ज दिया और मैंने अपनी अपने हुनर को मैंने उनको प्रेजेंट करके दिखाया और वो उससे हैप्पी है, उससे बड़ी मेरे लिए मेहनत की। थैंक यू। और आगे अभी मैम अभी तमाम मुंबई अपना हिंदू धर्म है, प्लीज उसे कैरी फॉरवर्ड कीजिए एंड ऑलवेज आई नो दैट गॉड हैज ऑलवेज बीन सपोर्टेड टू एवरीवन, सो नेवर लीव योर स्पिरिचुअल थिंग, अपनी श्रद्धा को कभी जाने मत देना, प्लीज कीप इट अप।